इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले इंसान और ड्रैगन काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान काफी लालची हो गए। वो जंगलों को नष्ट करने लगे। इस विनाश को रोकने के लिए ड्रैगन ने इंसानों को काफी समझाया, लेकिन इंसानों ने उन्हीं पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच पिट्रोसियस नाम के शैतान ने ड्रैगन्स को मारने के लिए एक मॉन्स्टर बनाया, जिसका नाम उसने नेटल ब्रेन रखा। लेकिन पिट्रोसियस उस मॉन्स्टर को काबू नहीं कर पाया और वो खुद ही उसका शिकार बन गया। फिर नेटल ब्रेन ने सभी ड्रैगन्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्रैगन्स की आग का उस पर कोई असर नहीं होता। इसीलिए सारे ड्रैगन्स उससे डरकर कहीं दूर छिप गए और नेटल ब्रेन थककर अपने किले में लौट आया। वहीं फिर हमें दूर पहाड़ों में ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो सबसे छिपकर रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आजादी पूरी तरीके से छिन चुकी है। वहीं हमें फायर ड्रेक को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त सोरेल से कहता है कि मुझे छिपकर रहना अच्छा नहीं लगता, तो सोरेल उसे समझाती है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। फिर सोरेल अपने घर चली जाती है। सोरेल एक ब्राउनी होती है, इसीलिए अपने परिवार के साथ पेड़ों में रहा करती थी। फायर ड्रेक स्लेट बियर्ड के पास जाता है, जो बहुत ही ओल्ड ड्रैगन होते हैं, और वो हमेशा उसे रियल ड्रैगन की कहानियां सुनाया करते थे। वो उसे कहते हैं कि पहले ड्रैगन रिम ऑफ हेवन में रहा करते थे, जो ड्रैगन के लिए स्वर्ग है, जहाँ चांद के फूल खिलते हैं। तो फायर ड्रेक उनसे पूछता है कि वो कहाँ है, तो कहते हैं कि वो दुनिया के दूसरे छोर पर पहाड़ों के बीच है। ये सुनकर फायर ड्रेक बहुत खुश होता है और अगले दिन वो सोरेल को इसके बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि वो ड्रैगन्स के लिए स्वर्ग है और मैं वहाँ असली ड्रैगन्स की तरह रह सकता हूँ। तो सोरेल उसे कहती है कि मेरे डैड कहते हैं कि इस घाटी के बाहर हमारी जान को खतरा है। तभी उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है और फिर जब वो उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इंसान धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। फिर वो वापस आकर सभी को बताते हैं, जिससे सभी काफी डर जाते हैं। तो बॉटलनेक सभी को शांत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इंसान इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो पूनम का चांद दिखने तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए वो सभी को छिपने की जगह बनाने को कहते हैं। फायर ड्रेक सोरेल से कहता है कि हमें छिपने की क्या जरूरत है, हम रिम ऑफ हेवन में जा सकते हैं। इसीलिए हम दोनों मिलकर रिम ऑफ हेवन ढूंढेंगे और वापस आकर सभी को वहाँ ले जाएंगे। तभी सोरेल की मॉम उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और वो उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। सोरेल अपने पेरेंट्स को कहती है कि हमें इस घाटी से दूर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर मुझे कोई ऐसी जगह पता होती तो अब तक हम चले गए होते। वहीं हमें फायर ड्रेक को दिखाया जाता है, जिसे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अकेले ही रिम ऑफ हेवन ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। तभी सोरेल भी उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ एक सिटी दिखाई देती है और वो वहाँ जाकर रिम ऑफ हेवन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिसाइड करते हैं। वहीं फिर हमें बेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक ज्वेलरी शॉप से नेकलेस चुरा लेता है, लेकिन इस बात का पता शॉपकीपर को चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसीलिए बेन उनसे बचने के लिए भीड़ में से एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है और छिपकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सोरेल और फायर ड्रेक भी सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ सोरेल फायर ड्रेक को कहती है कि मैं रिम ऑफ हेवन के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करती हूँ और तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि कोई भी तुम्हें देखकर डर सकता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फायर ड्रेक एक गैराज में जाकर छिप जाता है, जहाँ वो पोस्टर लगा हुआ देखता है जिसमें एक लड़का ड्रैगन की सवारी कर रहा था। इससे उसे स्लेट बियर्ड की बात याद आती है कि महान ड्रैगन राजाओं के जमाने में इंसानों और ड्रैगन के साथ में उड़ान भरा करते थे। तभी वहाँ बेन भी पहुँच जाता है, क्योंकि वो वही रहा करता था। वो ड्रैगन को देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि वो उससे बात कर रहा था। फायर ड्रेक उसे कहता है कि पोस्टर में जो है वो तुम ही हो। तो बेन भी खुद को बचाने के लिए उसे झूठ कहता है कि वो मैं ही हूँ ड्रैगन राइडर। तो फायर ड्रेक उससे पूछता है कि राइडर क्या होता है, तो उसे बताता है कि वो ड्रैगन की सवारी करता है और वो ड्रैगन का काफी अच्छा दोस्त होता है। इससे फायर ड्रेक बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करोगे। तभी वहाँ सोरेल भी आ जाती है और वो बेन को देखकर काफी डर जाती है। वो फायर ड्रेक पर बहुत गुस्सा होती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि इंसानों से दूर रहना, तो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये हमारी रिम ऑफ हेवन ढूंढने में मदद करेगा। तो सोरेल उसे कहती है कि ये झूठा और मक्कार है, क्योंकि सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। तभी बेन देखता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए बाहर आ गई है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए फायर ड्रेक को कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो फायर ड्रेक सोरेल को कहता है कि तुम जिद मत करो। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सभी पुलिस ऑफिसर ड्रैगन को देखकर काफी डर जाते हैं। फायर ड्रेक बेन से पूछता है कि हमें रिम ऑफ हेवन जाना है, जो दुनिया के दूसरे छोर पर है। इससे बेन काफी डर जाता है और
उसे नीचे उतारने को कहता है। फायर ड्रेक उसे नीचे उतार देता है और उसे कहता है कि तुम तो हमारी मदद करने वाले थे, लेकिन उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ सोरेल को किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो फायर ड्रेक को वहाँ छुपा देती है। तभी वहाँ तीन बोने मजदूर आते हैं। सोरेल उन्हें कहती है कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे। तभी वो फायर ड्रेक को देख लेते हैं, वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। वो दो बोने उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फायर ड्रेक उन्हें भी बता देता है कि हम रिम ऑफ हेवन जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो उस जगह है जहाँ पूरा पश्चिम से मिलता है। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि कहानी के मुताबिक जिस दिन रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। बेन भी छिपकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है और वो सोना और चांदी की बात सुनकर बहुत खुश होता है कि अगर मुझे ढेर सारा सोना चांदी मिल जाए तो मुझे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं फायर ड्रेक उन्हें कहता है कि मुझे वहाँ जाने का रास्ता ढूंढना है, तो बोने वहाँ से चले जाते हैं। तभी बेन वापस उनके पास आ जाता है और उसे कहता है कि हम मिलकर रिम ऑफ हेवन को ढूंढेंगे। तो सोरेल और बेन के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि सोरेल को उस पर विश्वास नहीं था और उसे कहती है कि तुम झूठे और दगाबाज हो। तभी फायर ड्रेक को वहाँ एक किला दिखाई देता है। वहीं हमें उस बोने को दिखाया जाता है जो वहाँ से भाग गया था, जिसका नाम ग्रेवल बियर्ड होता है। वो एक महल की तरफ खुशी से भागता हुआ जा रहा होता है। वहीं फिर हमें किले में नेटल ब्रेन को दिखाया जाता है जो अपने एक सर्वेंट ट्विंगलिंग के साथ 500 सालों से यही रह रहा था। तभी ग्रेवल बियर्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने पहाड़ी पर एक मोटा सा सिल्वर ड्रैगन देखा। तो नेटल ब्रेन इससे काफी खुश हो जाता है, फिर उसका शिकार करने के लिए उस तरफ निकल जाते हैं। वहीं फायर ड्रेक भी किले को देख रहा होता है और उसे भी एहसास हो जाता है कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा है, इसीलिए वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेटल ब्रेंड जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि फायर ड्रेक वहाँ से उड़ गया है, इसीलिए उनका पीछा करने के लिए ट्विंगलिंग को भेजता है और उसे कहता है कि तुम वीडियो कॉल के जरिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देना। वो कुएं पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं घाटी में सभी लोग फायर ड्रेक और सोरेल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलते। वहीं फायर ड्रेक और बाकी सब पूर्व की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो एक तूफान में फंस जाते हैं जिसकी वजह से वो सभी नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेन की जब आँख खुलती है तो रेगिस्तान में होता है और सोरेल भी वहीं होती है, लेकिन उन्हें फायर ड्रेक कहीं नजर नहीं आता। वो उसे ढूंढते हुए खंडर में पहुँचते हैं जहाँ फायर ड्रेक बेहोश पड़ा होता है। तभी वहाँ कोई दूसरा क्रिएचर आ जाता है जिससे डरकर बेन फायर ड्रेक को उठाता है और वो उस क्रिएचर को चुनौती देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि फायर ड्रेक आग नहीं उगल सकता। इसीलिए जब वो फायर ड्रेक को उस पर आग उगलने को कहता है तो उसके मुंह से सिर्फ चिंगारियां निकलती है जिससे वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बेन और सोरेल उसका डटकर सामना करते हैं मगर उसे जीत नहीं पाते। तभी वहाँ प्रोफेसर बारबेनस आकर उन्हें बचा लेते हैं क्योंकि वो जानवर खुद को मिरर में देखने से फ्रीज हो जाते थे। बारबेनो सिल्वर ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि ये बड़े अनोखे होते हैं। तो बेन कहता है कि ये ज्यादा ही अनोखा है क्योंकि इसे आग उगलना भी नहीं आता। इससे फायर ड्रेक बहुत उदास हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है जिससे सोरेल उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर वो सभी उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि ट्विंगलिंग भी वहाँ पहुँच गया होता है और वो उन पर नजर रख रहा होता है। बेन को फायर ड्रेक नजर आ जाता है और उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और तुम वापस चलो क्योंकि वो दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए। तो फायर ड्रेक उसे कहता है कि मुझे रिम ऑफ हेवन ढूंढना ही है क्योंकि वहीं हम सब ड्रैगन सुरक्षित रह सकते हैं। तो बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो तुम्हारे साथ हूँ। इससे फायर ड्रेक बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि मेरा कैंप पास में ही है, इसीलिए आज रात तुम यही आराम कर लो। फिर वो सभी कैंप की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फायर ड्रेक उन्हें बताता है कि हम रिम ऑफ हेवन जा रहे हैं। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मेरा पूरा परिवार बचे हुए दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करते हैं और हमने पृथ्वी के सारे दुर्लभ प्रजातियों को ढूंढकर उनकी देखभाल करने का अभियान शुरू किया है और वहाँ कैंप में भी बहुत सारे अजीब जानवर होते हैं। फिर उन्हें एक मैप दिखाकर बताते हैं कि जहाँ तक मैं रिम ऑफ हेवन के बारे में जानता हूँ तो वो कहीं हिमालय की वादियों में है, लेकिन मेरी दोस्त शोभिशा गुलाब जो कि एक ड्रेकोलॉजिस्ट है वो इस जगह का सही पता नहीं जानती जबकि उसे ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ पता है। तभी उन्हें याद आता है कि एक जीनी जिसकी 1000 आंखें हैं वो तुम्हें रिम ऑफ हेवन के बारे में बता सकता है क्योंकि उसके पास सभी सवालों के जवाब है, लेकिन वो बहुत गुस्सेल है। फिर उन्हें मैप में निशान लगाकर बताते हैं कि वो यहीं कहीं रहता है, लेकिन तुम्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा और तुम सुबह वहाँ के
के लिए निकल जाना। फिर वो सभी सो जाते हैं। वहीं प्रोफेसर को बेन के पास से एक पेपर मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि बेन के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं और अब वो अकेला है। वहीं टिंगलिंग नेटल ब्रेन को वीडियो कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो रिम ऑफ हेवन का पता करने के लिए हजार आंखों वाले जीनी के पास जा रहे हैं। तो नेटल ब्रेन कहता है कि तुम कुछ भी करके उनके साथ जाओ, मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा। वहीं नेटल ब्रेन उस बोने के साथ नीचे गैराज में आता है जहाँ उसके मालिक की बनी हुई एक सबमरीन रखी हुई थी जिसकी मदद से वो कहीं भी जा सकते थे। फिर वो दोनों उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब बेन की आँख खुलती है तो उसे अपने न्यूज़पेपर के बारे में याद आता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर उसके पास आते हैं और वो उसे अपनी मदद करने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अकेले हो, इसीलिए तुम मेरी फैमिली के साथ रह सकते हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। तो प्रोफेसर उसे वो पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा कभी मन बदल जाए तो मेरे घर जरूर आना, मेरी फैमिली तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। वहीं टिंगलिंग भी उनके साथ जाने के लिए चुपके से बेन के बैग में छिप जाता है। फिर वो सब प्रोफेसर को थैंक्स कहते हैं और जीनी की नहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो काफी दिनों के सफर के बाद जीनी की नहर के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। वो रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन तभी एक गिद्ध सोरेल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फायर ड्रेक और बेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। वो गिद्ध सोरेल को पकड़कर अपने घोंसले में लेकर जाता है, लेकिन तभी फायर ड्रेक उसे बचाने के लिए उस पर अपनी आग से हमला करता है। यह देखकर बेन हैरान हो जाता है, गिद्ध सोरेल को छोड़ देता है, लेकिन वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर फायर ड्रेक उसे बचा लेता है। बेन फायर ड्रेक से कहता है कि तुमने कर दिखाया और तुम अब आग उगल सकते हो, तो इससे वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ सोरेल को जीनी की नहर नजर आती है। फिर वो वहाँ जीनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ बेन को एक पुरानी कार दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि हॉर्न बजाओ, और बेन जब जैसे उस हॉर्न को प्रेस करता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से जीनी बाहर निकलने लगता है। वो जीनी उनसे पूछता है कि बोलो तुम्हारा क्या सवाल है, तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि वो सवाल मेरे लिए नया होना चाहिए। फिर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फायर ड्रेक कहता है कि हमें जीन से रिम ऑफ हेवन का पता पूछना ही होगा। तो बेन कहता है कि ये सवाल तो उसने 100 बार सुना होगा। तो फायर ड्रेक कहता है कि मैं मौका गवा नहीं सकता, भले इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। फिर वो जीन से पूछने लगता है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ पर है, लेकिन तभी बेन उसे रोककर पूछता है कि बताओ रिम ऑफ हेवन कहाँ पर नहीं है। तो इससे जीन भी बहुत हैरान होता है क्योंकि ये सवाल उससे कभी किसी ने नहीं पूछा था। बेन उसे कहता है कि मुझे हर वो जगह बताओ जहाँ रिम ऑफ हेवन नहीं है। तो जीनी कहता है कि इसमें तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसीलिए वो बेन को अपनी आंखों की मदद से रिम ऑफ हेवन के दृश्य दिखाता है कि वो कहाँ पर है। फिर बेन बेहोश हो जाता है। जीनी उनसे कहता है कि तुम्हें कोई और सवाल पूछना है। तो सोरेल गलती से कह देती है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तो जीनी कहता है कि ये सवाल तो मैंने 1000 बार सुना है। फिर वो उन सब पर अटैक करने लगता है, मगर तभी वहाँ नेटल ब्रेन भी पहुँच जाता है और वो भी फायर ड्रेक को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है, जिस वजह से नेटल ब्रेन और जीनी के बीच फाइट होने लग जाती है। इस बात का फायदा उठाकर फायर ड्रेक सभी को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। बेन उस जीनी के जादू की वजह से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तभी सोरेल को याद आता है कि प्रोफेसर की दोस्त यही कहीं रहती है, इसीलिए उनसे मदद लेने के लिए उनकी तरफ निकल जाते हैं। वहीं नेटल ब्रेन उस जीनी को मार देता है और अब वो दोनों वहीं रुककर टिंगलिंग के मैसेज का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो अब कहाँ जा रहे हैं। सोरेल फायर ड्रेक को मैप की मदद से गाइड करती है जिससे वो उस गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर बेन भी ठीक हो जाता है। सभी गाँव वाले ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें सुबिशा गुलाब के पास लेकर जाते हैं, जो बेन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी एक ड्रैगन राइडर है। फिर वो उन सभी को ड्रैगन के मंदिर में लेकर जाती है, जहाँ फायर ड्रेक उनसे पूछता है कि हमें जानना है कि रिम ऑफ हेवन कहाँ है। तो कहती है कि उसके बारे में तो कोई नहीं जानता क्योंकि उस जगह को दुनिया से छिपा कर रखा गया है। फिर वो उन्हें बताती है कि वॉरेन ड्रैगन की सवारी करने वाला अकेला इंसान था और जब नेटल ब्रेन ने ड्रैगन पर हमला किया तो उन्हें रिम ऑफ हेवन में ले गया और उस जगह को एक खास चाबी से बंद कर दिया। लेकिन जब वॉरेन दूसरे ड्रैगन की खोज में निकला तो नेटल ब्रेन ने उस चाबी को छीनकर उसे मार डाला। लेकिन मरते मरते वॉरेन ने भविष्यवाणी की थी कि जब रिम ऑफ हेवन मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। तभी बेन को बैग में से कोई आवाज आती है और जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से टिंगलिंग निकलकर भागने लगता है, मगर सोरेल उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो कहता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे नेटल ब्रेन
ब्रेड ने भेजा है, तो सोहेल उसे मारने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे ये काम मजबूरी में करना पड़ता है। तो फायर ड्रेक उससे पूछता है कि नेटल ब्रेड हमसे क्या चाहता है। तो वो कहता है कि वो आपके जरिए रिम ऑफ हेवन में पहुंचना चाहता है। तभी टिंगलिंग को नेटल ब्रेड का कॉल आता है और टिंगलिंग उन्हें कहता है कि अगर मैं मालिक को दूसरी जगह भेज दूं तो आप मुझे नहीं मारोगे। सोहेल उसकी बात मान लेती है। टिंगलिंग नेटल ब्रेड से बात करता है और उसे झूठ कह देता है कि हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि रिम ऑफ हेवन वही है। लेकिन तभी वहाँ कोई आदमी खाना लेकर आता है जिसकी वजह से टिंगलिंग का फोन नीचे गिर जाता है और नेटल ब्रेड को सारी सच्चाई पता चल जाती है। सुविशा गुलाब उन्हें कहती है कि तुम उसके यहाँ आने से पहले रिम ऑफ हेवन ढूंढ लो। तो सोहेल कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। तो फायर ड्रेक बेन से कहता है कि तुमने जीनी की आंखों में क्या देखा था। तो बेन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो सुविशा गुलाब उसे अपने साथ लेकर जाती है और उस पर अपना जादू करती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पहली स्टेज हिमालय की वो जगह है जिसकी एक चोटी आधे चांद के जैसी है। फिर उन्हें नक्शे में उस पहाड़ की लोकेशन पॉइंट करके देती है। लेकिन तभी नेटल ब्रेन का कौवा उस मैप को लेकर उड़ जाता है। तो उन्हें बताती है कि हिमालय पर्वत उस दिशा में है और तुम्हें सही रास्ता ड्रैगन राइडर दिखाएगा। तो बेन उन्हें कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो उसे कहती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। फिर वो उन्हें एक जैकेट देते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही वो टिंगलिंग को भी साथ ले लेते हैं। वो उस आधे चांद वाली चोटी तक पहुँच जाते हैं और बेन सुविशा गुलाब के मैजिक की मदद से फायर ड्रेक को रास्ता बताता जाता है। तभी नेटल ब्रेन भी वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। लेकिन बेन और बाकी सब काफी मुश्किल से उससे अपनी जान बचा लेते हैं और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उस खुफिया गेट तक पहुंच जाते हैं जहाँ रिम ऑफ हेवन होता है। वो उस गेट को ओपन करते हैं लेकिन वो एक पुरानी गुफा होती है जिससे बेन को लगता है कि रिम ऑफ हेवन का कोई वजूद नहीं है। वहीं नेटल ब्रेन नीचे गिरने के बाद भी बच जाता है और वो जोर से चिल्लाता है जिससे बेन काफी डर जाता है और वो सभी को कहता है कि हमें वापस जाना होगा। तो फायर ड्रेक उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे रिम ऑफ हेवन नहीं मिल जाता। तो बेन उसे कहता है कि रिम ऑफ हेवन जैसी कोई जगह नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन फायर ड्रेक उसे कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। तो बेन उसकी नहीं सुनता और अकेले ही वहाँ से चला जाता है। बेन बाहर आता है तभी उसे नेटल ब्रेन के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो एक टीले के पीछे छिप जाता है जिससे नेटल ब्रेन उन्हें नहीं देख पाता और वो सिल्वर ड्रैगन की तरफ बढ़ जाता है। तभी बेन देखता है कि नेटल ब्रेन गोल्ड का है क्योंकि उसके जो पार्ट्स टूटे थे वो गोल्ड के थे, इससे उसे वो भविष्यवाणी याद आती है। वहीं नेटल ब्रेन सिल्वर ड्रैगन को मारने के लिए उस गुफा में आ जाता है। यह देखकर सोहेल उसे कहती है कि हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। तो फायर ड्रेक कहता है कि मैं अब नहीं भाग सकता, मुझे अपनी पूरी ड्रैगन प्रजाति के लिए लड़ना ही होगा। फिर वो नेटल ब्रेन से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है मगर नेटल ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए वो फायर ड्रेक को मारने लगता है। बेन भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे वो भविष्यवाणी समझ आ गई, इसका मतलब ये है कि वो सोना है और तुम चांदी, इसीलिए तुम्हें उसे हराना होगा। तो फायर ड्रेक कहता है कि मेरी आग नहीं निकल रही। तभी नेटल ब्रेन उसे पकड़ लेता है। यह देखकर सोहेल और बेन भी उसे बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं लेकिन वो उन्हें दूर फेंक देता है और बेन को पकड़ लेता है। बेन फायर ड्रेक को समझाता है कि तुम मेरे बिना आग उगल सकते हो, लेकिन फिर भी फायर ड्रेक को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। इससे बेन समझ जाता है कि जब कोई मुसीबत में होता है तभी वो आग उगल सकता है, इसीलिए वो नेटल ब्रेन को कहता है कि तुम चाहो तो मुझे खा लो लेकिन मेरे दोस्त को कुछ मत करना। नेटल ब्रेन बेन को खाने लगता है मगर तभी फायर ड्रेक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और वो नेटल ब्रेन को पूरी तरीके से जलाकर खाक कर देता है। बेन और सोहेल इसे बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी सच थी, लेकिन फायर ड्रेक उदास हो जाता है और कहता है कि कोई रिम ऑफ हेवन नहीं है। तभी सोहेल को एक जेम दिखाई देता है जो नेटल ब्रेन के गले में था और यही वॉरेन की चाबी थी। उसे वहाँ उस चाबी का लॉक भी दिखाई देता है और जब वो उस चाबी को लॉक में डालती है तो वहाँ एक गेट खुल जाता है। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है और यही रिम ऑफ हेवन होता है जहाँ चांद के फूल और बाकी ड्रैगन भी होते हैं। लेकिन बेन काफी उदास हो जाता है। तो फायर ड्रेक उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और चाहो तो वापस जा सकते हो। तो बेन को प्रोफेसर के बारे में याद आता है और उन्हें कहता है कि मैं प्रोफेसर के साथ रह सकता हूँ और उनकी जानवरों को बचाने में मदद कर सकता हूँ, इससे वो भी बहुत खुश होता है। तभी टिंगलिंग भी वहाँ आता है और उन्हें कहता है कि मेरा क्या होगा। तो बेन उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकते हो क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। फिर फायर ड्रेक कहता है कि मुझे अपने परिवार को यहाँ लाना है, इसीलिए हमें जल्दी चलना होगा। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हमें घाटी में सभी ड्रैगन को दिखाया जाता है।
जाता है, जहां उन्हें लगता है कि इंसानों ने फायर ड्रेक और सोरेल को मार दिया है, इसीलिए वो सब उन पर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी फायर ड्रेक और सोरेल वहां जाते हैं। वो सब उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर फायर ड्रेक उन्हें कहता है कि हम रिम ऑफ हेवन ढूंढने गए थे और हमने वो जगह ढूंढ ली। फिर उन्हें सबूत के तौर पर चांद के फूल दिखाते हैं। बॉटल नेक उसे कहते हैं कि हमें लगा था कि इंसानों ने तुम्हें मार दिया। तो फायर ड्रेक उन्हें कहता है कि जैसा हम सोचते हैं सारे इंसान वैसे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे इंसान ने हमारी मदद की। फिर वो सभी रिम ऑफ हेवन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेन ज्वेलरी शॉप के ओनर को उसकी चुराई हुई चीजें वापस पार्सल कर देता है और उन्हें सोरी के साथ साथ नेटल ब्रांड के सोने का टुकड़ा भी भेजता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं बेन भी अब खुशी से प्रोफेसर के साथ रह रहा होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।